ये सारा कीवर्ड लगा दोगे तो आप जो भी आगे वीडियो अपलोड करोगे वो वीडियो आपका रैंक करेगा। सबमिट कर देने के बाद आपका फोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद आपके चैनल में सेटिंग हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप सबने 2023 के एंड में सोचा था कि मैं 2024 में यूट्यूबर बनूंगा तो आप पक्का यूट्यूबर बनोगे, क्योंकि अब 2024 आ चुका है। आज के इस वीडियो में आपको एक चैनल का आइडिया बताऊंगा, वो चैनल का आइडिया आपको गर्मी आते आते यूट्यूबर बना देगा। आप अच्छे लेवल तक की यूट्यूबर बन जाओगे 2024 में। और जो चैनल का आइडिया बता रहा हूँ वो अभी के टाइम में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, इस वजह से आपको इस चैनल को जल्दी से बना लेना चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो चैनल का आइडिया बता रहा हूँ वो चैनल का आइडिया है रिएक्शन शॉर्ट्स का। अभी के टाइम में रिएक्शन शॉर्ट्स चैनल बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। रिएक्शन शॉर्ट वीडियो भी अभी के टाइम में बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, इस वजह से आपको रिएक्शन शॉर्ट का चैनल बना लेना चाहिए। तो रिएक्शन शॉर्ट चैनल कैसे बनाएं आज के चैप्टर में आपको बताने वाला हूं, तो आप बस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रिएक्शन शॉर्ट चैनल कैसे बनाएं वो जानते हैं बिना किसी इंट्रो के। बाय द वे, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। बाकी बात है, पिछले वीडियो में फर्स्ट कमेंट करने वाले ये है तो मैंने इनके चैनल को अपने कम्युनिटी टैब में लगा दिया है, तो आप सब जाओ जाके सपोर्ट करो। अगर आप सभी अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पे फर्स्ट कमेंट करो। अगर आप फर्स्ट कमेंट कर देते हैं मेरे वीडियो पे तो आपके चैनल को मैं इसी तरह से प्रमोट कर दूंगा। बाकी बात, अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर कि रिएक्शन शॉर्ट चैनल कैसे बनाए। तो दोस्तों, रिएक्शन शॉर्ट चैनल कैसे बनाए वो बताने के लिए सबसे पहले मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चालू कर दिया है। अब आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में रहे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड में कुछ लोगो देखने को मिलेंगे, तो आपको करना क्या है उस लोगो पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब ऐड अकाउंट पर जब आप क्लिक कर दोगे उसके बाद कुछ देर के लिए यहां पर लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके मोबाइल का जो भी लॉक स्क्रीन होगा वो दे देना है। जब आप अपना मोबाइल का लॉक स्क्रीन दे दोगे उसके बाद फिर से कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा और ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आप जानिए कि आपको रिएक्शन शॉर्ट चैनल कैसे बनाना है। तो देखिये, नीचे साइड में आप लोगों को क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर साइड में फॉर माय पर्सनल यूज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को फॉर माय पर्सनल यूज पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप अपने YouTube चैनल का नाम जो रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप सबको अपने रिएक्शन शॉर्ट चैनल का नाम जो भी रखना होगा वो इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वही हो। तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर को भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर आप मेल है फीमेल है जो है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। जब आप नेक्स्ट कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम यानी कि ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। कई कबार यहाँ पर ऑटोमेटिक से बना हुआ आता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बना बनाया हुआ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट करो। यहाँ पर इस तरह से कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे आप इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देने के लिए बोलेगा, तो आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग देना है। पासवर्ड आपको लेटर और आपको नंबर और सिंबल तीनों मिक्स करके आपको देना है ताकि आपका पासवर्ड कोई क्रैक ना कर सके। तो यहाँ पर मैं भी एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है पासवर्ड दे देने के बाद। जब आप पासवर्ड दे देने के बाद नेक्स्ट कर दोगे उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो आप लोगों को करना क्या है स्किप पर क्लिक कर देना है। स्किप पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। जब आप फिर से नेक्स्ट कर दोगे तो गूगल की तरफ से ये प्राइवेसी एंड टर्म खुल के आ जाएगा, तो आप लोगों को करना क्या है नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा और अब आपका एक ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस पर रिएक्शन शॉर्ट चैनल बनाना है, उसके बाद आपको कुछ सेटिंग है वो करना है, तब जाके आपका ये चैनल ग्रो होगा। उस पर आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे वो वीडियो आपका तुरंत के तुरंत वायरल होगा। तो आपको करना क्या है, अब नीचे साइड में या फिर ऊपर साइड में आपको लोगो देखने को मिल जाएंगे, तो आपको उस लोगो पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको योर चैनल पर क्लिक कर देना है। योर चैनल पर क्लिक कर देने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो आप लोगों को करना क्या है पिक्चर पर सबसे पहले क्लिक कर देना है।
पिक्चर पर क्लिक कर देने के बाद आप अपने रिएक्शन शॉर्ट चैनल पे जो लोगो लगाना चाहते हैं आप उस लोगो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने कोई लोगो बना रखा है तो फिर ठीक है, नहीं है तो आप जो भी फोटो रखना चाहते हैं वो फोटो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके आप अपने रिएक्शन चैनल पे लोगो लगा लीजिएगा। लोगो लगाने के बाद आपको नेम पर क्लिक करना है, यहाँ पर चैनल नेम लिखा रहा होगा तो आपको नेम पर क्लिक कर देना है। नेम पर क्लिक कर देने के बाद आप अपने YouTube चैनल का नाम अगर जो रखना चाहते हैं ये वाला है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जो रखना है रख लीजिएगा। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। सेव कर देने के बाद नीचे साइड में हैंडल का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को हैंडल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप हैंडल भी जो रखना चाहते हैं अपने चैनल के नाम से रिलेटेड हैंडल भी रख लीजिएगा। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। सेव कर देने के बाद आपको नीचे साइड में क्रिएट चैनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देने के बाद आपका रिएक्शन शॉर्ट का चैनल क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसमें सेटिंग करना है, वो सेटिंग जो आपके चैनल को तुरंत के तुरंत वायरल कर दे। तो आपको करना क्या है, फिर से आपको उसी लोगो पे क्लिक करना है और आपको फिर से योर चैनल पे चले जाना है। चैनल पे आने के बाद आपको पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है और आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखो अपने चैनल के बारे में कि आप क्या अपलोड करने वाले हो अपने चैनल पर, अपने चैनल के बारे में और अपने बारे में कुछ लिख लो। उसके बाद आप लोगों को सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को इस कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपने चैनल पर बैनर लगा लेना है। अब अगर आपने बैनर बनाया है तब आप सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं बनाए हैं तो जब आप बनाना तो इसी तरह से यहाँ पर आके बैनर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको पूरा इस तरह से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल में रहे किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को सर्च आइकन पर क्लिक कर देना है और आप लोगों को studio.youtube.com सर्च कर देना है। जब आप ये सर्च कर दोगे उसके बाद आपका चैनल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आपका चैनल डैशबोर्ड पर ओपन हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर साइड में जो लिखा रहा है जी इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक करना है। स्विच अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अभी आपने जो ईमेल आईडी बनाया है उस ईमेल आईडी को आप यहां पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, नीचे साइड में आप लोगों को सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक कर देने के बाद आपको सेकेंड नंबर पर चैनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को चैनल पर क्लिक कर देना है। चैनल पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को कंट्री ऑफ रेसिडेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को कंट्री ऑफ रेसिडेंट पर क्लिक कर देना है। कंट्री ऑफ रेसिडेंट पर क्लिक कर देने के बाद आप जो भी कंट्री में रहते हैं आप उस कंट्री को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं नेपाल में रहता हूं तो यहां पर मैं नेपाल सेलेक्ट कर लेता हूं। आप जिस कंट्री में रहते होंगे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे साइड में कीवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को कीवर्ड पर क्लिक कर देना है। कीवर्ड पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिखना है, जो भी चैनल का नाम होगा वो नाम आपको यहां पर लिख देना है इस तरह से। और उसके बाद फिर से आपको अपने YouTube चैनल का नाम लिखना है और उसके बाद चैनल लगा देना है। चैनल का नाम लिखने के बाद आपको चैनल लगा देना है इस तरह से। उसके बाद फिर से आपको लिखना है रिएक्शन वीडियो, उसके बाद आपको लिखना है रिएक्शन शॉर्ट्स, उसके बाद आप लोगों को फिर से लिखना है रिएक्शन यहां पर शॉर्ट वीडियो, इस तरह से आप लिखिएगा। उसके बाद फिर से आप यहां पर लिखिएगा शॉर्ट रिएक्शन वीडियो, उसके बाद आप यहां पर लिखिएगा रिएक्शन चैनल। अब देखो अगर ऐसा आप कर लोगे अपने चैनल की कीवर्ड में ये सारा कीवर्ड लगा दोगे तो आप जो भी आगे वीडियो अपलोड करोगे वो वीडियो आपका रैंक करेगा, क्योंकि ये सारा कीवर्ड रिएक्शन चैनल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड है। तो आप इस कीवर्ड को लगाइएगा। उसके बाद आप लोगों को बीच नंबर में जो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपका चैनल किस चीज के लिए है, मतलब कि आपका चैनल बच्चों के लिए है या फिर बड़ों के लिए है। तो यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा कि मैं अपने हर वीडियो में सिलेक्ट करूंगा, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करना है, आपको बीच नंबर में जो आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। नो वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। नो वाले ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो इससे ये हो जाएगा कि आपका वीडियो बच्चों के लिए नहीं रहेगा, बड़ों के लिए रह जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, नीचे आना है।
नीचे आने के बाद ऑटोमेटिक कैप्शन को आपको इसको इस तरह से इनेबल कर लेना है। ऑटोमेटिक कैप्शन को इनेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने चैनल में कोई स्पेलिंग गलत लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिक से यूट्यूब सही कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपके चैनल का नाम सर्च कर रहा है, अगर आपके चैनल का नाम है रिएक्शन वीडियो, तो कोई आपके चैनल का नाम सर्च कर रहा है रिएक्शन भी के जगह पर भी लगा रहा है, फिर भी आपका चैनल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको सिलेक्ट करके रखोगे तो यूट्यूब जो है उसको रिडायरेक्ट कर देगा सही नाम पर। तो आप इसको इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है, जो लास्ट नंबर में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद पहला नंबर पर ये तो इनेबल रहता ही है, आपको दूसरे नंबर को इनेबल करना है। तो आप इस एलिजिबल पर क्लिक करिएगा, उसके बाद वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। और वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है, उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप अपने चैनल में जो नंबर से वेरीफाई करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर टाइप करो। तो जो भी आपके पास नंबर है आप उस नंबर को यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। नंबर को लिख लेने के बाद आप लोगों को गेट कोड पर क्लिक कर देना है, और गेट कोड पर क्लिक कर देने के बाद जो भी आपने नंबर दिया होगा उस नंबर पर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो उस कोड को आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो आप वेट करिए, आपको तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर आ चुका है तो मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर है 133132। कोड को टाइप करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपका फोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से बैक चले आना है और दोबारा से आपको ओपन करना है अपने मोबाइल में रहे ब्राउजर को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अपलोड डिफॉल्ट का ऑप्शन इस साइड देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोगों को अपलोड डिफॉल्ट पर क्लिक कर देना है। अपलोड डिफॉल्ट पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देने के बाद आपको इस साइड दाएं साइड कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिस पे नोन लिखा रहा होगा, तो आप लोगों को नोन पर इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इंटरटेनमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इंटरटेनमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको वीडियो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। उसके लिए वीडियो लैंग्वेज पर आप इस तरह से क्लिक करिएगा। वीडियो लैंग्वेज पर क्लिक कर देने के बाद आप हिंदी में वीडियो बनाओगे, रिएक्शन शॉर्ट वीडियो आप तो हिंदी में ही बनाओगे, तो आप यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप जिस लैंग्वेज में आप रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं हिंदी देख लेता हूँ, यहाँ पर हिंदी आ चुका है, तो मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो आपको उसके लिए इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश इंडिया इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ कि इंग्लिश इंडिया आखिर है कहाँ, यहाँ पर है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, नीचे साइड में सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद आपके चैनल में सेटिंग हो चुका है। अब आपको कुछ और काम करना है जिसे आपका रिएक्शन चैनल प्रोफेशनल दिखेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, इस साइड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोगों को कस्टमाइजेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप कस्टमाइजेशन पर क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ये फॉर यू का ऑप्शन इनेबल रहेगा तो आपको इसको इनेबल रहना ही देना है। उसके बाद नीचे साइड में वीडियो सेलेक्ट रहेगा तो आपको इस वीडियो पर इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को 3 डॉट के लाइन पर क्लिक करना है और इसको रिमूव कर देना है। रिमूव कर देने के बाद आप लोगों को अब ब्रांडिंग पर क्लिक करना है। ब्रांडिंग पर क्लिक करने के बाद मैंने आपको बता दिया है कि लोगो आपको कैसे लगाना है और बैनर भी कैसे लगाना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आपको यहाँ पर वाटरमार्क लगाना है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो भी अपने चैनल में लोगो लगा रहे हैं उसी लोगो को आप वाटरमार्क में लगा लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को बेसिक इन्फो पर क्लिक कर देना है, और बेसिक इन्फो पर क्लिक कर देने के बाद आपको एड लैंग्वेज का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस एड लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओरिजिनल लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है, और ओरिजिनल लैंग्वेज पर क्लिक कर देने के बाद आप यहां पर ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कि हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन लैंग्वेज पर क्लिक करिएगा और आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश आप ढूंढ लीजिएगा और आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश यहाँ पर शायद यहाँ पर है। इंग्लिश को जब आप सिलेक्ट कर लोगे, इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को चैनल नेम आपको टाइप करना है। चैनल का जो भी नाम होगा आपको वो चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो चैनल का नाम है वो चैनल का नाम आप टाइप कर लीजिएगा। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ इस तरह से और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर देने के बाद आपको नीचे थोड़ा और आना है। नीचे आने के बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है।
डन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया का लिंक है, अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया को आपको ऐड करना होगा उस सोशल मीडिया का नाम लिख लीजिएगा। लाइक इंस्टाग्राम को ऐड करना है तो आप इंस्टाग्राम लिख लीजिएगा। उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का URL कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल से। उसके बाद अगर आप कोई ईमेल लगाना चाहते हैं यहाँ पर तो आप ईमेल लगा सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का ईमेल आईडी मत लगाइएगा। कोई एक फेक ईमेल आईडी आप क्रिएट करिएगा, उसको आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। इससे आपको स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, इस ईमेल पर कंपनी जो है आपको मैसेज करेगा। तो आप अपने मेन यूट्यूब चैनल का ईमेल आईडी यहाँ पर मत लगा लेना, वरना कोई आपके चैनल को ही हैक कर लेगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद सारा सेटिंग ऑन हो चुका है, तो आप सभी से तरह से रिएक्शन शॉर्ट चैनल बना लो। उसके बाद जो सेटिंग मैंने बताया है सब कुछ कर लो, उसके बाद आपका काम खत्म हो चुका है। आप रिएक्शन शॉर्ट वीडियो बनाओ, अपने चैनल पर अपलोड करो। अब सवाल आता है कि रिएक्शन शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है रिएक्शन शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएं, तो आप जाओ देखो एंड सीख लो।